जो है अच्छा काम करेंगे, ताकि उन्हें हर दुख दर्द में आप उनका सहयोग मिले और अच्छे से आप अपनी अर्निंग अपना करियर बनाएंगे, ताकि अपनी फैमिली की हर मुसीबत में आप काम आ सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर इस साल अपने कमिटमेंट बनाएंगे, और ताकि आप अपना डेडिकेशन रखिए कि आपको एक गोल बनाइए कि मुझे 2021 में क्या अचीव करना है। उसके बाद जो है आपकी लाइफ ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगी, और टाइम वेस्ट मत करिए क्योंकि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, आपको अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट लिख लेते हैं, यानी कि ये मैंने बता ही चुका था मैं पहले भी, बट आज पूरा डिटेल में विद एग्जाम्पल के प्रोग्राम बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रोग्राम नंबर, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, ये बता ही चुके हैं। यहाँ से G28, U0, W0, ये होम पोजीशन में आ गया, ठीक है। इसके बाद टूल नंबर ले लीजिए T03, T03, ठीक है। ये ऑफसेट नंबर है, ये टूल नंबर है, और आपको फॉर्मेट उसका देखना है तो डिटेल में लास्ट वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम G97 जो है RPM दे देंगे, S500, M03, ये रोटेशन दे दिया इसका, और यहाँ पे एक कोड दे देंगे G21 जो है मैट्रिक थ्रेड के लिए, यानी कि MM के लिए होता है, ये हमारी मैट्रिक थ्रेड है, हमारी ये थ्रेड जो हम इसमें काटेंगे एम टेपर थ्रेड है, टेपर थ्रेड है, इसकी जो पिच है वो है 1.8, ठीक है। 1.8 की पिच का जो है हम जो थ्रेड काटेंगे। इसके बाद जो है यहाँ G99 ले लेंगे, MM पर रेगुलेशन, जो भी इसकी फीड RPM है MM पर रेगुलेशन में चलेगा। उसके बाद जो है G40, जो टूल नोज रेडियस कंपनसेशन पहले से कुछ एक्टिव हो तो वो कैंसिल हो जाएगा, और G90 ये जो है फ्लोट प्रोग्रामिंग के लिए होता है, ठीक है। एंड ऑफ ब्लॉक हर एक में लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों मेरी ये डाया, यानी कि मेरा मैं इसको 1.5 mm का, यानी कि 1.8 की पिच है, तो मेरा टूल में इसको प्रोग्राम को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा 2 mm दूरी से, ठीक है। मान लीजिए मेरी ये होम पोजीशन है, और होम पोजीशन में यहाँ पे मेरा टूल है, ठीक है, थ्रेड का टूल आएगा यहाँ पे कहीं पे, तो इसे मैं पहले यहाँ पे लेकर आऊंगा, मैं थ्रेड जो शुरू करूंगा यहाँ से इसकी स्टार्ट करूंगा। तो इसको क्या करेंगे, G0X, इसका मेजर डाया कितना 38, तो 38 पे ले आऊंगा, 0.0Z 2.0M08 कूलेंट ऑन के लिए। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, यहाँ से स्टार्ट हो गया, अब इसके बाद हम जो है लिखेंगे G76 वाला फॉर्मेट, G76। इसके बाद P के साथ तीन ब्लॉक थे, Q Q के साथ ब्लॉक था, R, ठीक है, और इसमें G70X, इसमें X, Z, P, Q, R और F। दोस्तों ये ब्लॉक जो है जो मैंने सारे लिखे हैं, अभी इसमें एक एक करके हम इसे फिल करेंगे और समझ लिया, उसके बाद हमारी जो है साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये अगर इसको डिटेल में देखना है, ये पी क्या होता है, ये क्यू आर, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो लिंक कमेंट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसको हमने पहले इसमें बताया था नंबर ऑफ पास, यानी इसमें फिनिश पास हम कितने देंगे, नंबर ऑफ फिनिश पास मान लीजिए हम 2 देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 02, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे था चैम्फर अमाउंट, यहाँ पे चैम्फर अमाउंट 0 है, यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ पे अगर ग्रुप ना होता तो हमें चैम्फर अमाउंट देना पड़ता, ताकि ये जो मैं जब थ्रेड अपना एक दूसरे पे जब मीट करेंगे, यानी कि फीमेल मेल को दोनों, तब जो है इसकी जरूरत पड़ती है, यानी अच्छे से फिटमेंट हो जाए, तो इसमें जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसे चैम्फर अमाउंट को रख देंगे 00। अब ये मैट्रिक थ्रेड है, ठीक है, मैट्रिक
मैट्रिक थ्रेड है, तो आप जानते हैं जैसे ये एज यूजुअल कि मैट्रिक थ्रेड में हमेशा जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री होता है, और इसकी जो पिच है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पिच ये 1.8 है। तो हमेशा ये याद रखें, ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे, ये भी 60 डिग्री है, ये एंगल जो है इसके 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसमें एंगल 60 डिग्री है, तो तीसरा जो था एंगल, ये हम एंगल डाल देंगे, ठीक है, 60 डिग्री, ये पूरा इस तरीके से लिख जाएगा। दूसरे में हमने बताया था ये डेप्थ ऑफ कट है ईच पासिस, जो बार बार पास लगेंगे, जो यानी कि जो थ्रेड का जैसे एक पास दो पास इस तरीके से जितने भी पास लगेंगे, हर एक पास में कितना मार्जिन काटेगा, यानी कितना डेप्थ ऑफ कट देना, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम 100 माइक्रोन ले रहे हैं, तो 100 माइक्रोन को ऐसे 100 लिखेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं हम माइक्रोन में लिखते हैं। अब बात रही जैसे ये फिनिश कट, यानी कि फिनिश कट में जो अलाउंस देंगे कितना, मान लीजिए 30 माइक्रोन देना है, तो 0.30 माइक्रोन इसमें हम देंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है ये इसमें बताया फिनिशिंग अलाउंस, जो हमारे नंबर ऑफ पासिस ये वाले जो जाएंगे उसमें ये जो है मार्जिन काटेगा। फिनिशिंग अलाउंस बता चुका हूँ मैं कि जो इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो थ्रेड है वो स्मूथ हो जाए, उसमें बर वगैरह कुछ ना रहे, और जो उसमें शार्प एज हैं वो सब फिनिश हो जाए, अच्छे से फिटमेंट हो। इसके बाद जो है एंड, यानी कि माइनर डायर, माइनर डायर निकालने का फॉर्मूला जो है, माइनर डायर के लिए मैं पहले बता चुका हूँ, माइनर डायर क्या करते हैं, मेजर डायर माइनस 2 × थ्रेड डेप्थ, ठीक है। तो मेजर डाया कितना है, मान लीजिए इसकी हम ले लेंगे 38 टेपर का बड़ा वाला डाया लेके चलेंगे, 2 × थ्रेड डेप्थ कितनी है। अब थ्रेड डेप्थ निकालेंगे यहां से, तो इसका फॉर्मूला होता है D=2 0.6132 × 1.8, यानी कि पिच, इंटू पिच, ये है पिच, इसकी मल्टीप्लाई जो करेंगे, ये जो है थ्रेड डेप्थ, यानी कि यहां से लेके और ये जो डिस्टेंस है ये इसमें आ जाएगी जो भी आएगी, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए जो है इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें थ्रेड डेप्थ निकालेंगे, थ्रेड डेप्थ निकालने के लिए यानी कि इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6132 × 1.8, यानी कि ये आ रहा है 1.10। ये देखिए ये इसका जो है वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे क्या आ रहा, 1.103, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, एज 37 है, तो इसे हम ले लेंगे 1.1034, लास्ट डिजिट तक ले लेंगे, ठीक है, यानी कि ये 4 नहीं लेंगे, इसे 4 कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो है D=2 आ गया 1.104, ये हमारा इसका थ्रेड डेप्थ आ गई mm में, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इनटू यहां लिख देंगे 1.104, अब इसको हम निकालेंगे इनटू 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 38 माइनस 2.207। अब इसमें माइनस कर देंगे 38, तो आ जाएगा 35.79, ये जो है इसकी माइनर डाया आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे नहीं दिखाई दे रहा, तो ये आ जाएगा इसमें से माइनर डाया कितना आ जाएगा, माइनर डाया आ गया 35.79, ठीक है। ये इसमें थ्रेड डेप्थ डाल के इसे मल्टीप्लाई मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सिंपल करके ये निकाल लेंगे, ये आ जाएगी। तो जब ये वैल्यू हमारी आ गई, तो ये वैल्यू क्या है, यहां पे लिखेंगे 35.79, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, और ये जो वैल्यू थी 1.10
ये डेप्थ है इसका, यहां से लेकर यहां तक। तो ये यहां से यहां तक की जो डेप्थ है ये कितनी है, यहाँ को शो कर देने 1.104। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें जेड जेड जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 mm से, और ये थोड़ा सा फालतू ले लेंगे 2 mm के बाहर हमारा निकल जाए, तो इसको हम ले लेंगे 32, तो ये है ही, और 2 mm फालतू ले लेंगे क्योंकि 1.8 की तो हमारी पिच ही है, तो थोड़ा सा फालतू ले लेंगे, माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है थ्रेड डेप्थ पी में लिखेंगे, थ्रेड डेप्थ ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में, वहां से देख लेना। तो इससे जैसा ये वैल्यू आई है 1.104, तो ये एमएम में वैल्यू है, बट इसको हम क्या करेंगे माइक्रोन में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 1104 इस तरीके से, इसमें ये लिखेंगे, ये आ जाएगा डेप्थ ऑफ कट फर्स्ट कट। जो पहला कट इसमें लगेगा, यानी कि जो भी पहला कट जाएगा उसमें कितना कट लगेगा वो यहाँ लिखेंगे। मान लो हम इसमें ले लेते हैं पहला कट 300 माइक्रोन का, तो यहाँ पे लिख देंगे 300। वैसे इसे हम 300 नहीं ले सकते, 200 काफी होगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा 300, तो 200 माइक्रोन का हम डेप्थ ऑफ कट ले लेंगे। अब बस जा आर, आर क्या है, टेपर है, ये किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। इसे निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा सा इस वाले को क्लीन कर देता हूँ, और ये थोड़ा सा आपका क्लियर लिख दूँ यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, अब आर निकालना, आर है मेजर डाया माइनस माइनर डाया, सॉरी माइनर डाया, माइनर मतलब स्मॉल डाया है, स्मॉल ये वाला डाया, ये वाला स्मॉल डाया है, स्मॉल ये इसे कह सकते हैं बिग डाया। ठीक है, ये इतना लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें बिग डाया हमारा कितना, और डिवाइड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसे इसे इस तरीके से लिख सकते हैं डी माइनस डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका डी कितना है, 38 30, सॉरी इस तरीके से नहीं है, ये हम लिखेंगे स्मॉल डाया, उल्टा लिख दिया हमने थोड़ा सा, इसे हम लिखेंगे स्मॉल डाया माइनस बिग डाया। ठीक है, यानी कि डी माइनस डी अपॉन 2, तो डी कितना है 25 माइनस बड़ा वाला डाया कितना 38 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 माइनस 38, तो माइनस के 13 आ जाएगा अपॉन 2 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा -6.5। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, -6.5, ये जो है आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये वैल्यू जो है आर की वैल्यू यहां डालेंगे -6.5, ये यहां पे डाल देंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे फीड, फीड में हमेशा याद रखना कि फीड जो होती है एमएम पर रिवॉल्यूशन है, तो ये जो इसकी जो पिच होती है वो हम फीड में लेते हैं, तो यहाँ पे 1.8 हमेशा फीड जो है पिच के इक्वल आएगी। इसके बाद जो है तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लेना। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम ले लेंगे G0X डाया पर उठा लेंगे, इस पर 30 40 ले लेंगे, 0 Z2.0 M09 G28 U0 W0 एंड ब्लॉक यहाँ पे भी M05 M30। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से ये प्रोग्राम बनाते हैं, और आपको पूरा प्रोग्राम बना के उसका दिखा दिया। अगर आपको कहीं पे भी प्रोग्रामर फेडर है तो आप इस तरीके से प्रोग्राम अपनी कंपनी में बना सकते हैं और मशीन पे चला सकते हैं। ये बिल्कुल एक्यूरेट मशीन का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सारे डाउट क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। अगर वीडियो में कुछ भी आपको कमी लगती है, फीडबैक आप दे सकते हैं कमेंट्स करके। और आप सॉलिडवर्क के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। मैंने सारे ट्यूटोरियल बनवाई करके बना रखे हैं एक एक करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ और है कि अभी हम पूरी थ्रेड के बारे में बताएंगे स्टार्टिंग से, कितने टाइप की थ्रेड होती हैं, क्या क्या थ्रेड होती हैं, ये मैं सारी चीज़ें अब शुरू करने वाला हूँ पूरी थ्रेड की सीरीज। अभी आपको ये बता दिया, इसमें मल्टी स्टार थ्रेड के बारे में बताएंगे, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।